मेरे कुछ फ्रेंड्स की फरमाइश पर आइए देखें हलवाई जैसी कुरकुरी करारी और अंदर से जूसी जलेबी बनाने का तरीका। दोस्तों इसे सिंपल तरीके से और बहुत कम समय में बना सकते हैं, तो आइए शुरुआत करें। हाय एवरीवन, टेस्टू ट्वीन्स चीन मंजूस किचन में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज कम समय और सिंपल वे में बताते हैं। हमारे आने वाली रेसिपीज के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आइए देखिए इंग्रेडिएंट्स। 1 कप मैदा, 1/3 कप दही, 1 कप चीनी। चीनी मैंने मैदे के कप के मेजरमेंट के हिसाब से लिया है। 1/2 कप पानी, 1/2 लेमन, थोड़ा केसर, 1 पिंच बेकिंग सोडा, ऑरेंज रेड फूड कलर ये ऑप्शनल है, और गार्निशिंग के लिए थोड़े कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। 1 बाउल में मैदा और दही डालिए। और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अब इसमें धीरे धीरे करके पानी डालिए जब तक हमें इसका फोरिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर ना मिले। देखिए अपना बैटर रेडी हो गया है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। आइए अब हम चाशनी बनाते हैं। बर्तन में चीनी और जितनी चीनी उससे 1/2 पानी लीजिए। थोड़ा फूड कलर डालेंगे और साथ में थोड़ा केसर। चाशनी को थोड़ी स्टिकी कंसिस्टेंसी होते तक पकाइए। देखिए चाशनी अब थोड़ी स्टिकी कंसिस्टेंसी वाली हो गई है। इस मोमेंट पे गैस की फ्लेम थोड़ा धीमे कर दीजिए और इसमें नींबू का रस डालिए ताकि ये क्रिस्टल फॉर्म में ना आए। हमारी चाशनी रेडी है। गैस ऑफ करके इसे एक साइड रख दीजिए। 20 मिनट हो गए हैं। बैटर में अब बेकिंग सोडा डाल के इसे अच्छे से मिलाइए। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें कोई लम्स ना हो। देखिए इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल ऐसे ही रखना है। ऐसी कोई सॉस बॉटल लेके इसमें बैटर भरिए। आप सॉस बॉटल की जगह पाइपिंग बैग भी यूज कर सकते हैं। कढ़ाई में तेल गरम कीजिए। आप कोई भी एडिबल ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से कड़क गरम कीजिए। और इसको चेक करने का तरीका, इसमें एक बूंद डाल के देखिए, ये उभर कर ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। बॉटल में ये बैटर भरा हुआ है। अभी इससे हम जलेबी निकालेंगे। इसे ऐसे पलटा दीजिए और इसे सुनहरा गोल्डन होने तक पकाइए। देखिए इसका कलर कैसे सुनहरा हो गया है। अभी इसे कढ़ाई से निकाल के चाशनी में डिप कीजिए। इसे ऐसे चाशनी में डिप कीजिए। जलेबी को चाशनी में 3 से 4 मिनट तक ऐसे डिप करके रखिए। आप देख सकते हैं कि जलेबी कैसे रसीली दिख रही है। जलेबी रेडी हो गई है। चलो अभी प्लेटिंग करते हैं। इस पे कटे हुए बादाम और पिस्ता डालिए। कटे हुए बादाम और पिस्ता से जलेबी को गार्निश कीजिए। देखिए गर्मा गर्म क्रिस्पी जलेबी रेडी है।
अब इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। और हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपका फीडबैक जरूर लिखिए। हम जल्द ही मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खाते रहिए और खूब एंजॉय कीजिए।